सभी का ईश्वर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि में समस्या निवारण हेतु उपाय, जो लोग किसी समस्या के पीड़ित हैं वे उनकी समस्या निवारण हेतु सुझाए गए उपाय अनुसार पूजा पाठ करें। दश एक, यदि आप कर्ज के चलते परेशान हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से अंतिम दिन तक लगातार मंगलवार दिन मोचक स्त्रोत का पाठ करें। दो, यदि आप किसी पुरानी बीमारी के चलते परेशान चल रहे हैं तो नवरात्रि में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर दें। तीन, स्थायी लक्ष्मी निवास के लिए नवरात्रि में श्री सूक्त का पाठ तुरंत असरदायी होता है। चार, जो जातक राहु केतु और शनि ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं उनके लिए नवरात्रि में माता काली की साधना लाभदायक होगी। पाँच, नवरात्रि में देवी के अथर्वशीर्ष का पाठ करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। छह, अगर आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है तो माता के मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन तक लगातार माता पार्वती और भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करने से शांति मिलेगी। साथ, मनवांछित विवाह के लिए नवरात्रि में भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें तथा माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें। आठ, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में भैरव मंदिर में दीपदान करें। नौ, यदि धन की कमी से परेशान हैं तो नवरात्रि के पहले दिन 11 लघु नारियल एक लाल कपड़े को बिछाकर उस पर रख दें और 9 दिन तक उनकी पूजा करें, फिर नवरात्रि के आखिरी दिन उसे अपने धन स्थान पर रख दें। इससे लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और धन से जुड़ी समस्या भी दूर होगी। 10, जो लोग संतान सुख को लेकर चिंतित हैं वे नवरात्रि में माता भुवनेश्वरी की पूजा उपासना करें। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।